हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे सेवन स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 4 है, एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। आज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं मैं इसका लेक्चर नंबर 5। तो इसके पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था, उसमें हम लोग ने जो प्रैक्टिस सेट था हमारा, उसको टोटली कंप्लीट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, जरूर से आपने देखा होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो आप प्लीज जाके हमारे वीडियो सेक्शन में आपको सामने ही मिल जाएगी, आपको देखोगे तो आप मिल जाएगा आपको। एंड कुछ पुराने अगर टॉपिक्स को सर्च मार रहे हैं, जैसे कि आप बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये वीडियो नहीं मिल रहा है, तो एक बेस्ट तरीका आपको मैं बता देता हूं आज के दिन कि अगर आपको कुछ भी टॉपिक सर्च मारना है तो वो टॉपिक लीजिए, उसके बाद हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का नाम टाइप कीजिए, हमारा जो है सबसे पहले ही आपको दिख जाएगा, या फिर 2-3 के अंदर ही आपको दिख जाएगा, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जेआर ट्यूटोरियल का वीडियो है। तो आप वहां पे जाके हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो, जो जो आपने स्किप किया हुआ है या फिर आपने नहीं देखा है बाई चांस कुछ काम के सिलसिले में, तो आप वहां से हमारे पहले पुराने वीडियो जितने भी है मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के, हर एक चीज के आप देख सकते हो। एंड जरूर से उसको देख लेना, कंप्लीट कर लेना, बिकॉज बहुत कंसेप्चुअल नॉलेज वहां पे मैंने दिया हुआ है। तो आज का लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? बेसिकली हम लोग ने टोटली इसके पहले जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें कवर कर लिया था बहुत सारे पार्ट। अब लेक्चर नंबर 5 है, इसमें आपको पढ़ना है अपोजिट रेज के बारे में। तो ये अपोजिट रेज क्या होता है? नॉर्मली अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे लाइन सेगमेंट्स होते हैं जिसमें रेज ड्रॉ किए होते हैं। एक बेसिक एग्जांपल दूंगा, फिर आपके सिलेबस के एग्जांपल भी आपको बताने वाला हूं। लेट्स सपोज कि मेरा एक क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट आया, ठीक है, और यहां से एक पॉइंट यहां पे आया। तो आप देखोगे इसका नाम मैं अगर मैं दे दू, लेट्स सपोज इसका नाम मैं देता हूं ए, इसका नाम मैं देता हूं बी ओ, एंड इसका नाम देता हूं मैं बी, ठीक है। तो अगर कोई मुझे पूछता है कि फाइंड आउट द अपोजिट रेज इन दिस, मतलब ये पर्टिकुलर डायग्राम आपको दिख रहा है, लाइन सेगमेंट दिख रहा है ए से लेके बी, और उसका एक मिड पॉइंट दिया हुआ है ओ। अब यहाँ पे कोई मुझे पूछता है कि इसका बताओ मुझे रे क्या है, अपोजिट रे कौन से है, तो आपको क्लियरली ये बोलना है कि कंडीशन यही होता है अपोजिट रे का कि दोनों जो रे होते हैं आपस में अपोजिट होने चाहिए पहली बार तो, एंड इट कैन फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। वो हमेशा क्या होने चाहिए? स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेरा ओ से लेके ए एक रे है, ठीक है ना, ओ ए जो है मेरा एक रे है, तो रे ओ ए, एंड दूसरा जो रे है मेरा यहां से बी से लेके ओ, या फिर बोल दो, या फिर ओ से लेके बी बोल दो, तो दूसरा जो मेरा रे है वो है ओ बी। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि जो रो ओ ए है वो उसके अपोजिट में है रो ओ बी के, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में भी है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि रे ओ ए एंड रे ओ बी आर अपोजिट रे, आप ऐसा क्लियरली बोल सकते हो। तो आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है, इसके बेस पे एक प्रैक्टिस सेट भी, उसको भी आज ही मैं सॉल्व करूंगा। काफी छोटा सा 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, इसको मैं आज ही करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट 18 जो है आपका। लेकिन उसके पहले जो आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि सॉल्व एग्जांपल के तरीके से ही है, आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो एक्सप्लेनेशन क्या है और उसका एक डेफिनेशन है वो क्या है, ये आज को मैं आज आपको बता दूंगा। एंड इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे एंड आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। छोटा हो सकता है लेक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर छोटा सा भी चीज छूट रहा है तो आपको नहीं समझेगा कि एक्जैक्टली क्या हुआ। तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहना है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपोजिट रे हमारा टॉपिक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, जिसका नाम है हमारा आज के लिए अगर बात करें जो लेक्चर नंबर 5 है, सबसे पहला हेडिंग जो है अपोजिट रेस, ठीक है। आप लोग भी अपने बुक में हेडिंग डाल सकते हो अपोजिट रेस, ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा आज के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया अपोजिट रेस क्या होता है, आपको बेसिक तो चीजें समझ में आ गई, लेकिन एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, तो लेट्स ड्रॉ दिस एग्जांपल फर्स्ट। यहां पे आपको एक एग्जांपल ऐसा दिख रहा होगा जिसका नाम है ए, ठीक है, ये है बी, ये है सी, ठीक है। तो ऐसा एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, दैट इज ए बी सी। हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा है इसमें, नेम द रेज इन द फॉलोइंग अलोंग साइड, मतलब ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें कौन सा टाइप के रेज आ रहे हैं वो आपको बताना है। तो कौन कौन से रे आपको दिख रहे हैं, क्लियरली आप बोलोगे, तो इसमें एक रे आपको नजर आ रहा होगा रे ए बी, ठीक है, रे ए बी नजर आ रहा है, या फिर बी ए बोल लो, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग मिडल से चालू करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, रे बी ए, यहां से लेके बी ए हो गया, और दूसरा जो रे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे वो है रे बी सी, ठीक है। तो आपने दो रे लिख दिया, रे बी ए और रे बी सी, ये आपने लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है, नेम द ओरिजिन ऑफ द रे, ओरिजिन मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो आप दोनों में कंसिडर करोगे, दोनों ही रे में आपने देखा, तो बी ए और बी सी दोनों ही केस में जो बी है मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा इस केस में, कि जो मेरा ओरिजिन है, मतलब मेरा जो रे है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, बी पॉइंट से हो रहा है, तो मेरा ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है। ओके, एक और क्वेश्चन आपको पूछा है, नेम द एंगल इन द फिगर। अब ये फिगर आपको दिख रहा है, इसमें एंगल कुछ तो फॉर्म हो रहा है, करेक्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरा एक एंगल जो है वो इस तरह से फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये एंगल आपको दिख रहा है। तो ये एंगल का नाम आप क्या दे सकते हो, कुछ भी आप एंगल दे सकते हो, दैट इज मेरा एंगल ए बी सी भी बोल सकते हो, या फिर एंगल मेरा सी बी ए भी बोल सकते हो, दोनों ही तरीके से इसको नाम दे सकते हो। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यही चीज को मैं क्या करता हूं, ये जो आपका एंगल वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ए बी सी जो एंगल वाला डायग्राम दिख रहा है, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैं स्ट्रेट बना देता हूं यही चीज को, मैं अगर मैं स्ट्रेट बना दिया इस तरह से, और नाम मेरा सेम रहेगा, दैट इज मेरा ए पॉइंट रहेगा, यहां पे बी पॉइंट रहेगा, और यहां पे मेरा क्या रहेगा, सी पॉइंट रहेगा, इसी तरह से मैंने बना दिया। अब इसमें क्या फर्क आएगा,
ठीक है, तो अगर मेरे को कोई पूछता है इस केस में, तो मुझे बताओ कि राइट डाउन द अपोजिट रेस इन दिस, जैसे क्वेश्चन पूछा है कि नेम द एंगल इन दिस फिगर, तो एंगल मेरा तो बन रहा नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट हो गया, ठीक है, तो एंगल तो मेरा रहेगा नहीं। और दूसरा चीज पूछा है कि नेम द रे हुज ओरिजिन स्टार्ट फ्रॉम बी, तो यहाँ पे भी रे बन रहा है और जिसका ओरिजिन बी है इसके जैसे ही सेम है, बस मैंने क्या किया इसको ओपन कर दिया और एंगल इसको हटा दिया। तो यहाँ पे जो मेरा रे बनेगा उसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे अगेन लिखूंगा मैं रे, ये रहेगा मेरा बी ए और ये जो रहेगा रे मेरा सी बी या फिर बी सी बोल लो, ठीक है, तो बी ए हो गया बी सी हो गया। अब ये दोनों केस में आप क्या कंसिडर करोगे, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रे अपोजिट कब होंगे, अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है वेदर दिस रेस आर अपोजिट टू इच अदर और नॉट, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने बोला कि पहली बात तो कंडीशन ये होता है, आपका एक डेफिनेशन है आपके बुक में भी आप देखोगे तो डेफिनेशन आपको मेमोराइज कर लेना है, क्या डेफिनेशन है आपका, टू रेस विच हैव ए कॉमन ओरिजिन, मतलब क्या बोल दिया है कि दोनों रे का अगर कोई कॉमन ओरिजिन है तो आप देखोगे कि रे बी सी है मेरा और रे बी ए है, ये दोनों ही रे में आप देखोगे तो कॉमन ओरिजिन है मेरा बी, यहाँ पे भी बी है यहाँ पे भी है, बी से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये मेरा क्या है कॉमन ओरिजिन है, ओके okay, तो दोनों ही रे में अगर कॉमन ओरिजिन है एंड इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, तो आप यहाँ पे देखोगे तो एबीसी है क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहा है, करेक्ट है, तो दोनों मेरा दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, पहला कंडीशन ये था कि दोनों का ओरिजिन जो है वो कॉमन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करनी चाहिए, तो अगर आपका ऐसा होता है देन बोथ द गिवन रेस, आपको जो भी गिवन रेस दिया रहेगा दैट इज माई बी ए एंड बी सी आर सेट टू बी अपोजिट रे, यही कंडीशन है उसका, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो मेरा रे बी सी है एंड जो रे मेरा बी ए है ये क्या है आर अपोजिट रेस, आप इसको ऐसा लिख सकते हो अपोजिट रेस, क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्या होता है अपोजिट रेस, ये आपको टोटली समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स, काफी सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है, तो ये फिगर में भी वही चीज दिया आपको, मैं रीड करके अगर बता दूं टेक्स्ट बुक से, तो जो कि बोल दिया कि रे बी सी एंड बी ए मीट टू फॉर्म है ऑब्ट्यूस एंगल, बन तो रहा है ये ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल एक तरीके से बन रहा है यहाँ पे, एंड इन फिगर रे बी सी एंड बी ए यहाँ पे एक ही पॉइंट पे मीट होते हैं, यानी कि बी पॉइंट पे मीट होते हैं, इसका मतलब ओरिजिन मेरा एक ही है, देयरफॉर इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन एंड ये कंसीडर करते हैं हम लोग कि दिस इज ए अपोजिट रे, दीज आर द अपोजिट रे, क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड जैसा मैंने बोला कि ये समझने के बाद अपोजिट रे क्या होता है कैसे आइडेंटिफाई करना ये तो आपको समझ में आ गया, अब इसी के बेस पे एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, तो ये आपको मैं आज करा देता हूं, एंड आज के लिए हम लोग स्टॉप करेंगे, फिर आने वाले लेक्चर में आपको अगला पॉइंट जो है अगला जो टॉपिक है वो कराऊंगा, ठीक है, तो आपको बस ध्यान से देखना है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट एटिंग हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट एटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछते भी है, तो आपको बस ध्यान से देखते रहना है कि प्रैक्टिस सेट एटीन में क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे आज के दिन हम देखने वाले, ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं, सबसे पहले क्या हेडिंग प्रैक्टिस सेट 18, ठीक है, इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 17 भी किया हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 18, ठीक है, 18 नंबर है इसका जो हमने कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछा है नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रे इन द फिगर अलॉन्ग साइड, एक फिगर आपको दिया हुआ है, तो लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, आपका पहले क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से, एक एक्स जैसा दिखने वाला एक फिगर दिया हुआ है और इसका नाम दिया हुआ है दैट इज एनपीटी, दिस पॉइंट इज एन, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज टी, ठीक है ना, एनपीटी, ओके, एंड यहां से है एलपीएम, यानी कि ये पॉइंट हो गया मेरा एल, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज एम, ठीक है, एलपीएम, ठीक है, एरो मार देते हम लोग, ठीक है, ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये फिगर नजर आ रहा है, तो क्वेश्चन यही पूछा है नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रे, आपको यही पता लगाना है क्वेश्चन नंबर वन में कि इसमें कौन कौन से अपोजिट रे आपको नजर आ रहे हैं या फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपको लिखना है यहाँ पे, क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं सबसे पहले दैट इज नंबर ऑफ अपोजिट रेस, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला कंडीशन हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि अगर हम लोग अपोजिट रेस की बात कर रहे हैं तो दो कंडीशन मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देयर आर टू कंडीशन, पहला कंडीशन ये है कि दोनों का ओरिजिन सेम होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये है कि वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग रे को फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पे पी से, क्योंकि मेरा ओरिजिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉमन पी पॉइंट ही है, तो पी पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा ओरिजिन हो जाएगा, तो लेट स्टार्ट पी और एल, तो अगर मैं लेता हूं इसको रे, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे रे पी एल, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखो ये पी है और ये एल, तो रे पी एल और उसके अपोजिट में आपको दिख रहा होगा ये पी और एम, ठीक है, एंड रे पी एम, तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या ये चेक करना है, तो आप देखोगे कि जो रे पी एल है और पी एम है दोनों में कॉमन ओरिजिन मेरा पी है, करेक्ट है, ये एक पहला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया, और दूसरा कंडीशन ये था कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए प्लस वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, आप देखोगे कि तो ये जो लाइन है आपका एल पी एम कम्स अंडर द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो रे पीएल है और जो रे बीएम है ये मेरा क्या है अपोजिट रे है, ये मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब पहला वाला जो मेरा आ रहा है आंसर ये है कि रे पीएल एंड रे पीएम आर अपोजिट रे, क्लियर है, एक चीज पता चल गया, और एक चीज नोटिस करोगे आप लोग यहाँ पे कि जो पी है
अगेन एन और टी के बीच में भी आ रहा है, मतलब ये भी कॉमन ओरिजिन हो रहा है। इसका मतलब आप एक और अगर पॉइंट लिखते हो यहाँ पे, दैट इज माई रे पी एन एंड जो रे है आपका पी टी, ठीक है ना, रे पी टी, इसमें भी आप देखोगे तो मेरा ओरिजिन क्या है दोनों ही केस में, पी एन और पी टी के केस में पी मेरा क्या है ओरिजिन है, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा आप देखोगे तो एन पी टी ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे और अपोजिट भी है एक दूसरे को, इसके लिए मेरा ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब मेरा दो यहाँ पे पेयर्स ऑफ अपोजिट रे आ रहे, दो जोड़ी आ रहे अपोजिट रेस के, कौन कौन से, एक तो है मेरा रे पी एल जो है वो पी एम से अपोजिट में है, दूसरा जो पी एन है वो पी टी से अपोजिट में है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर वन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता, विद इन वन मिनट आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 18 में, सेकंड क्वेश्चन, इसको भी करा लेते हैं, आज का लेक्चर फिर स्टॉप कर देंगे। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी सम्स इसमें दिए हुए, ये प्रैक्टिस में कुछ भी हार्ड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, आर द रे पीएम एंड पीटी अपोजिट रे, सॉरी मैंने डायग्राम आपके लिए रफ कर दिया, डायग्राम वही रहेगा दोनों के केस में, मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, डायग्राम फिर से दोनों के लिए सेम ही था, मैंने गलती से रफ कर दिया आपके लिए, कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे हम लोग। तो मेरा जो डायग्राम था वो था अगेन यहाँ पे एन पॉइंट था, दिस इज पी पॉइंट एंड दिस इज टी पॉइंट, एन पी टी ये आपका था, आपका एल पी एम, दैट इज एल पी है और ये एम हो गया, ये हो गया डायग्राम आपके लिए। क्वेश्चन ये पूछा है सेकंड में, ठीक है ना, सेकंड का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन इसमें ये पूछा है कि आर द रे पीएम एंड पीटी अपोजिट रे, तो आपको पूछा है कि आर पीएम एंड पीटी, पीएम एंड पीटी आर अपोजिट रे, हम लोग को पूछा है कि ये क्या अपोजिट रे है, क्या ये हमें क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मार्क हम लोग डाल देते। तो अब देखो कि पीएम और पीटी किधर दिख रहा है आपको, और अगर अपोजिट नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन आपको देना है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, हम लेने की कोशिश करते हैं आंसर को, ठीक है, आंसर को लिखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे ध्यान से, पीएम और पीटी, ये एम है, ठीक है, अच्छे से बना लेते हैं आपके लिए, पीएम एंड पीटी, किधर है पीएम, दिस पॉइंट इज पीएम, पी से एम और ये पॉइंट है पी से लेके टी, तो यहाँ पे आप देखोगे कॉमन ओरिजिन तो आपको नजर आ रहा है, दैट इज पीएम है और पीटी है, मतलब मेरा पहला कंडीशन जो होता है अपोजिट रे होने का, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दैट इज इट हैज अ कॉमन ओरिजिन, पी पॉइंट मेरा है कॉमन, पीटी और पीएम दोनों में पी पॉइंट कॉमन है, ओरिजिन मेरा कॉमन है, ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोला था कि दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए, तो आप देखोगे तो पीएम और पीटी स्ट्रेट लाइन में आ रहे क्या, नहीं आ रहे, ये एक 90 डिग्री के एंगल पे आ रहे, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे आ रहे, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, 180 डिग्री के एंगल पे नहीं आ रहे, इसका मतलब मेरा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। और अगर मेरा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, नो पीएम एंड पीटी, आप लिख दो यहाँ पे कि पीएम एंड पीटी आर नॉट अपोजिट रेस, ये लोग अपोजिट रेस नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन भी आप दे सकते हो यहाँ पे, बिकॉज दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, ये लोग क्या नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जो कि हमारा सेकंड कंडीशन नहीं है वो, तो सेकंड कंडीशन अगर, क्योंकि दो कंडीशन है दोनों सेटिस्फाई करेगा तो ही हम लोग बोलेंगे कि ये अपोजिट रहे, तो पहला कंडीशन कॉमन ओरिजिन वाला तो सेटिस्फाई किया, लेकिन सेकंड कंडीशन जो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट्स वाई वी क्लियरली से दैट कि पीएम एंड पीटी बोथ आर नॉट द अपोजिट रेस, एंड क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया रहेगा, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको अलग अलग डायग्राम बना के आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, जरूर से आप लोग कर लेना, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितने भी हम लोग ने पहले कराए चाहे अभी कराए, सब चीज प्रैक्टिस करोगे तो ही आप परफेक्ट बन पाओगे दोस्तों। और आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, जैसा मैंने बोला था कि आज की टॉपिक पढ़ने वाले अपोजिट रे, उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट तो हम लोग कर लिया। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा है एंड समझ में आ गया अच्छे से, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, रिलेटिव्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सो दैट मल्टीपल स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे आए, विजिट करें एंड हमारे अच्छे से पढ़ाई कर पाए हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन हर बार मिलते रहे, जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।